यहाँ पे ये बंदा ना दारू की बोतल बेच रहा है, मतलब बस के अंदर दारू की बोतल आपके पास चल के आ रही है। राइट 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 राइट, इज माय फोटो पेपर माय फोटो। ये देखो हर्ष सीडीओ लिखकर भाई ने टिकट दे दी है, 1200 में टिकाल किया है, मतलब $20। वो जो लोग खड़े हैं ना वो अपने बस के पैसेंजर है और वो वहां पर बियर पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह के देखो 4:50 हुए हैं और पूरा दिन हो चुका है यहाँ पर मापुटो सिटी के अंदर। अभी मैं हूँ मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो सिटी के अंदर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक टोफो बीच, जो कि यहाँ से लगभग 8 से 9 घंटे का रास्ता है। अभी सुबह सुबह मुझे जाना पड़ेगा एक बस स्टेशन, क्योंकि सुबह सुबह बस निकलती है यहाँ से। मैंने टैक्सी बुक करा ली है क्योंकि सुबह सुबह लोकल बस चलती नहीं है। लगभग 400 से 500 रुपए लगेंगे मेरी टैक्सी में जाने के, मेरे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है टैक्सी स्टैंड। फिर भी सुबह सुबह टैक्सी महंगी होती है क्योंकि लोकल बस नहीं चलती। अगर लोकल बस चल रही हो उस टाइम आप टैक्सी बुक कराओगे तो टैक्सी आपको बिल्कुल सस्ती मिल जाएगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से बस स्टेशन से बस मिलेगी और कौन सी बस लेनी चाहिए, आपको सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में एक टोफो बीच, क्योंकि जिस आइलैंड पे मैं गया था उस आइलैंड पे मैं इंजॉय करने गया था लेकिन वहाँ पर नहीं कर पाया, तो इसीलिए दूसरी जगह चलते हैं। टोफो बीच में होटल में रुकूंगा सिर्फ 2 नाइट, फिर उसके बाद जिस जगह मैं जाऊँगा वहाँ पर मैं 2 हफ्ते रुकूँगा फिर से। और वहाँ पर पूरा अपार्टमेंट बीच के ऊपर उन्होंने मुझे दिया है, वहाँ पर भी मैं वॉलंटियरिंग करूँगा और फ्री में रुकूँगा, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ इस अफ्रीका की 1 साल की ट्रिप पे। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हर जगह मैं अफ्रीका में फ्री में रुकता हुआ 1 साल की ट्रिप 11 देशों के अंदर से निकलता हुआ जा रहा हूँ मैं। बस मिल गई है भाई, ये देखो सीधा डायरेक्ट बस मिल गई है और इसमें मेरा पीछे सामान रखेंगे ये, और ऑलराइट ओके या टॉप। तो भाई लोग अच्छे हैं आप यहाँ पर, ये चीज मैंने देखी है कि मतलब आपको वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। सुबह सुबह के 5 बजे हैं, बस डायरेक्ट मिल गई है और ये बसें तभी चलती है जब ये पूरी भर जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी आओगे आपको तैयार मिलेगी, टाइम है इनका, टाइम कोई भी नहीं है। ये बड़ी बसें हैं ना इनका फिर भी टाइम है, इन छोटी बसों का कोई टाइम नहीं है। और ये जो आप देख सकते हो ये सामने बस स्टेशन है यहाँ का। Right, 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 right. It's my photo, paper, my photo. Yeah, good. Yeah, yeah. Thank it's you. It's Mr. Wilson. Wilson. Yes. ये देखो लोग, ये बात है इनकी यहाँ की, मतलब अपने आप ही वीडियो में आकर हेलो आई करने लग जाते हैं। और आप कोई भी अफ्रीका के देश में चले जाना आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा। तभी मैं कहता हूँ कि मोजाम्बिक बहुत अच्छा देश है यार, सच में बहुत अच्छा, मतलब कोई बंदे को दिक्कत ही नहीं है। मैं कैमरा लगा कर वीडियो बना रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं, कह रहे करो भाई जो करना आपको। आपको सभी को पता ही है कि बस स्टेशन की हालत गंदी मिलती है, कचरा वगैरह मिलता है, लेकिन इस बस स्टेशन की हालत एक तो ठीक है क्योंकि कम से कम ये पक्का तो बना हुआ है, नहीं तो बहुत से बस स्टेशन सिर्फ मिट्टी में ही होते हैं। आपको टिकट का प्राइस बताता हूँ कैसा है। ये देखो भाई अभी बस के अंदर हूँ मैं, नो ओब्रिगादा। ये देखो हर्ष सीडीओ लिखकर भाई ने टिकट दे दी है, 1200 में टिकाल किया है, मतलब $20। लगभग $20 मान लो आप, इंडिया के हिसाब से हो गए ये 1500 रुपए या 1550 रुपए के हिसाब रुपए हो गए। और ये जर्नी है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास और अभी सुबह के बजे हुए हैं लगभग 5:30 और मैं पहुंच, ये देखो एग्जैक्टली 5:30 है और मैं पहुंचूंगा 6 बजे, तो लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा की लंबी जर्नी है। आज देखते हैं कैसे इस बस में दिन गुजरता है। सुबह के भाई 6 बजे हैं और बस निकल चुकी है और आप म्यूजिक देखो कितना तेज चला रखा है, मतलब कि किसी को बंदे को सोना है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज अफ्रीका में ना आपको सही नहीं देखने को मिलती है, इनको ना तो किसी की टाइम की वैल्यू है। मैं 4:30 बजे उठकर आया हूँ यहाँ बस स्टेशन, नींद आ रही है और इतना तेज इसने म्यूजिक चला रखा है।
और ऐसी बस में देखो किस तरह बैठा हूँ मैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ में, और जिसके कि मैं 1500 रुपए पे कर रहा हूँ 500 किलोमीटर के सिर्फ। कमाल है ना, मतलब कि यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्राइवेट होगा ना तो इसलिए इतना बुरा हो जाएगा, क्योंकि या एक तो प्राइस अपनी मर्जी के होंगे और टूटी फूटी बसें हर कोई बंदा लेकर अपनी बस शुरू कर देगा, तो इसलिए प्राइवेट में प्राइस अपनी मनमर्जी के होंगे, क्योंकि सब लोग अपनी एक वो यूनिटी बना लेते हैं ना, जैसे टैक्सी स्टैंड में यूनिटी बनी होती है, वो यूनिटी बना लेंगे और फिर वो फिक्स प्राइस कर देंगे, उतना सबको देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट किलोमीटर पेट्रोल के हिसाब से फिक्स करती है प्राइस, ऐसे नहीं है मुंह उठाया कुछ भी फिक्स कर दिया। भाई बस ना हर स्टॉप पे रुक रही है, मतलब हर स्टॉप पे, और लगभग 15-20 लोग अंदर घुस जाते हैं। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर बीच में चलने की जगह नहीं है, नहीं तो ये लोग सब अंदर घुस जाते हैं। सब लोग सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर देखो यहाँ पे ये बंदा ना दारू की बोतल बेच रहा है, मतलब बस के अंदर दारू की बोतल आपके पास चल के आ रही है। आज तक मैंने जिंदगी में कोई देश ऐसा नहीं देखा जहाँ पर कोई बंदा बस रुकी है बस स्टेशन पे, वहां पर बंदा दारू की बोतलें बेच रहा हो, मतलब कहीं भी देखा है आपने? कसम से पहला देश है, मैंने अफ्रीका के भी मैं 5 देशों में जा चुका हूँ, 5वां देश है मेरा, लेकिन उनमें भी कभी मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा दारू की बोतल बेच रहा हो। मतलब सब चीजें बेचता हुआ मैंने देखा है, बिस्कुट बेच रहा है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी, सब चीजें बेचता हुआ देखा है, लेकिन दारू की बोतल, ये तो हद ही होगी यार। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर बस रुकी हुई है पिछले 15-20 मिनट से, टोटली बस फुल है, जगह नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी बस रुकी हुई है, पता नहीं क्यों, कोई कारण नहीं है, और कोई बंदा सवाल नहीं उठा रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि बस क्यों रुकी हुई है कुछ भी। इसीलिए मैं कहता हूँ अफ्रीका में टाइम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है टाइम की वैल्यू, मतलब यही जर्नी आपको गूगल मैप पे 7-8 घंटे की दिखा रहा है, और इसको पूरा करने में ये लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लेंगे, कमाल है ना। फिर से बस रुक गई है, पता नहीं क्यों, सब लोग बाहर निकल गए हैं, और बाहर देखो वो जो लोग खड़े हैं ना वो अपने बस के पैसेंजर है, और वो वहां पर बियर पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब बाहर खड़े होकर, कमाल है ना। मतलब ऐसी चीज आपको सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। जहां पर भी बस रुकती है लोग बाहर निकल जाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं अपना। कमाल है यार, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और मैं यहाँ पर बैठा तंग हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कब पहुंचेंगे, इनको कोई परवाह नहीं है, और कोई बंदा ये नहीं बोलता कि बस यहाँ रुकी क्यों है, बस अपना आराम से बाहर उतर जाते हैं। मेरे को लगता है इनको सबको पता ही है कि बस तो रुकेगी, अगर शोर मचाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। बस इसलिए रुकती है भाई यहाँ पर क्योंकि जो पीछे जो इन्होंने ये बांध रखी है ना रेडी सी, इसमें क्या है कि सामान है लोगों का, तो जब भी कोई बंदा उतरता है तो रोक कर सारा सामान खोलना पड़ता है, फिर उतार के सामान निकाल के इसमें से फिर दोबारा इसको बांधना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए बस रुकती है हर जगह, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये अभी खोल रहे हैं सामान, इनका निकाल रहे हैं जो उतर रहे हैं, फिर बाद में सामान निकाल के और फिर इसको वापस दोबारा बंद करेंगे, तो इसमें टाइम लग जाता है। और बीच में क्या है कि लोग भी नहीं उतरे, कुछ रेस्टोरेंट आ रहे हैं, जैसे कि इस रेस्टोरेंट वाले ने कुछ सामान मंगाया है मापूटो से, तो उसका सामान इसमें है, वो भी ये उतार के रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ी थोड़ी जगह में बस बहुत बार रुक रही है, बहुत ज़्यादा बार। इस लेडी का यहाँ रेस्टोरेंट है, इस लेडी ने कुछ सामान मंगाया था और वो मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये सारा कुछ सामान खोल कर ढूंढ रहे हैं। अब भाई इस चक्कर में ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मैं यहीं खड़ा हूँ कब से और वेट करे जा रहे हैं, अब क्या करे बंदा, मतलब समझ में नहीं आता। अफ्रीका में यही चीज बुरी है। अब इसी बस के मैंने 1600 रुपए पे किए हैं, मतलब थोड़े नहीं होते यार 1600 रुपए, और 1600 रुपए में आपको लग्जरी सर्विस मिलती है, इंडिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहाँ पर देखो कैसा हाल है। एक तो जानवरों की तरह पैक कर लेके जाते हैं, ऊपर से हर जगह रोकते हैं, और जो सफ़र 6-7 घंटे का होना चाहिए वो सफ़र
12 घंटे में पूरा करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है अफ्रीका में। मतलब यही चीज मैं आपको बोलूंगा, कोई भी देश में चले जाओ अफ्रीका में, जितनों में मैं गया हूँ मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे एक एसी बस के, मतलब नॉर्मली कोई भी चीज का एग्जांपल ले लो, एक एसी बस के, और सर्विस आपको मिलेगी लगभग ये मान लो कि कचरे के डब्बे जैसी, बिल्कुल कचरे के डब्बे जैसी। जैसे ये बस देख लो आप, आपके सामने है, क्या हालत है इस बस की, सेम प्राइस है इस बस का भी, सेम प्राइस बिल्कुल। मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। आप यूरोप में, सही बताऊं मैं, आप अगर फ्रांस से यूरोप में, मतलब जितनी भी कंट्री आती है ना, कोई भी कंट्री की फ्लाइट ले लो, आपको $20 से सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी फ्रांस से, और यहाँ पर $20 में आपको इसके अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा और उसमें तंग भी होना पड़ेगा। टाइम देख लो क्या हो चुका है, और सुबह 5:30 बजे मैं निकल गया था और अभी भी ये बस पहुंची नहीं है। मतलब यार 500 किलोमीटर का रास्ता था, ऐसा नहीं कोई 1000-1200 किलोमीटर का रास्ता था जिसमें इतना टाइम लग गया। और सही बात बताऊं, कम से कम ये बस 60 बार रुकी है, 60 बार, और कितना सामान था आपने देखा था इस ट्रॉली में। और अभी देखो बिल्कुल मेरा बैग बचा हुआ है अकेला, और ये थोड़ा सा ये सामान है, और अभी ये भाई पेट्रोल डलाने के लिए लुका है, क्योंकि आखिरी में लगभग मैं अकेला ही बचा हूँ, कोई और बंदा नहीं है। पर अगर ये मेरे स्टॉप पे नहीं रुका ना, अब मैं इसके साथ पूरी बुरी हालत कर दूंगा, क्योंकि वैसे तो ये रुक रहा है हर जगह, और मैंने बोल दिया रोड के साइड में मेरे होटल के सामने रुकने के लिए, ये अगर नहीं रुका ना तो मैं देखता हूँ इसको। आप अफ्रीका में किसी भी देश में चले जाओ, आपको ना डीजल का प्राइस ज्यादा मिलेगा पेट्रोल से, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होता है और डीजल सस्ता होता है, लेकिन अफ्रीका में इसका उल्टा है। और यहाँ पर लगभग डीजल का प्राइस है इंडिया के हिसाब से देखे तो 122 और 123 रुपए के आसपास एक लीटर का प्राइस, क्योंकि यहाँ पर 94 है और यहाँ पर ओके थैंक यू ओ सॉरी। फाइनली भाई लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं मेरे होटल के अंदर पहुंच गया हूँ, और ये 12 नंबर कमरा मुझे मिल गया है। अब मिलते हैं सुबह।